हरे कृष्णा। सो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट। अगर हम किसी दूसरे एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो उस चलते हुए ऑब्जेक्ट की जो लीनियर वेलोसिटी है और उस पॉइंट के अबाउट आई हुई एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन रहता है, चलो हम लोग ये देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ध्यान से समझना इस पूरी वीडियो को। देखो, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पार्टिकल अपना जो इस पाथ के अलोंग चलने लग रहा है, ठीक है। तो एक पार्टिकल अपना इस कर्व पाथ के अलोंग चलने लग रहा है। जब वो पार्टिकल इस कर्व पाथ के अलोंग चलने लग रहा है, तो इस मोमेंट पे अपना पार्टिकल है पी पॉइंट पे। जब ये पार्टिकल पी पॉइंट पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियली होगी, क्योंकि वेलोसिटी हरदम पाथ के टेंजेंशियली ही रहती है। तो ये जो वी दिखाया गया, ये नेट वेलोसिटी बताने लग रहा है, करेक्ट। क्योंकि पार्टिकल की नेट वेलोसिटी हरदम कैसे रहेगी, पाथ के टेंजेंशियल, ठीक। अभी हमने क्या कहा, हमने कहा कि सर अगर हम देखें इस चीज को, इस वी को, तो इस वी के हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं, ठीक है। इस वी के अगर आप दो कंपोनेंट बनाएंगे, तो जिनमें एक कंपोनेंट हो गया वी कोस अल्फा और दूसरा कंपोनेंट हो गया वी साइन अल्फा। ये अल्फा क्या है कि अगर मैं किसी बंदे को इस पॉइंट ओ पे खड़ा कर देता हूं, ठीक है, तो वो जो बंदा ओ पे खड़ा हुआ है, ओ से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ की कहाँ पे, इस पॉइंट पी पे, ठीक है। अभी आप क्या कहोगे, आप ऐसा कहोगे, इसके लिए हम यहाँ पे साइड में आ जाते हैं, बेसिक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। मान लो कि जैसे यहाँ पे ये ओ था, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, इस जगह पे कार है, लेकिन वो कार जाने लग रही है इसी तरफ वी की स्पीड से, ठीक। अभी ये बताओ, क्या कभी इस बंदे को जब ये बंदा देखेगा, तो ये जो चलती हुई कार है, इस कार की जो स्पीड है, उस स्पीड से क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी, करेक्ट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान से समझो। ये बहुत ही जरूरी चीज है जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं इस वीडियो में, बहुत ही जरूरी चीजें हैं एडवांस के लिए, तो खास करके कि अगर हम देखें ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ पे बंदा खड़ा हुआ था, तो ये जो दूरी है, जो ये v है, v अगर ऐसे चलता है, तो ऐसे चलता हुआ v इस बीच की दूरी को क्या करेगा, बढ़ाएगा या घटाएगा, करेक्ट। अगर वो सीधा जा रहा है उसी तरफ तो बढ़ाएगा, अगर उल्टा आ जाता तो घटाता, ठीक। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो v है, ये काम कर रहा है या तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का या फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का, करेक्ट। मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरियों को बढ़ाया घटा रहा है, ठीक। अभी ये बताओ कि क्या इस कार को देखने के लिए कभी इस बंदे को अपनी गर्दन घुमानी पड़ेगी, नहीं। इस बंदे को अपनी गर्दन कभी भी नहीं घुमानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये कार हरदम इसके सामने रहेगी, जिस तरफ ये देख रहा है कार उसी तरफ जा रही है। तो इसका मतलब कि इस बंदे के रिस्पेक्ट में बंदे को अपनी गर्दन को ही नहीं घुमाना पड़ा, तो ये बंदा क्या कहेगा कि मेरे रिस्पेक्ट में इस कार का कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब रहता है कि किस रेट से आपको अपनी गर्दन घुमानी पड़े अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो, तो चलते हुए ऑब्जेक्ट को, तो हम कहेंगे ये चलता हुआ ऑब्जेक्ट सीधा जाने लग रहा है, इसको देखने के लिए इस बंदे को अपनी कोई गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हरदम इसकी आंखों के सामने रहेगा, करेक्ट। तो इस केस में ओमेगा हो गया कितना, जीरो। ये ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओ, वो कितनी हो गई, जीरो, ठीक। अभी हम दूसरा केस लेते हैं, ठीक है, केस टू, ध्यान से समझेंगे। केस टू में हमने क्या किया, एक बंदा ले लिया, खड़ा हुआ है ओ पे, खड़ा हुआ है। अभी आपने क्या किया, उसके सामने एक कार यहाँ पे है, लेकिन ये कार अभी ऐसे जाने लग रही है इस तरफ, ठीक, या फिर आप कहते हो ऐसे भी जाने लग रही है, ठीक। तो अभी हम क्या कहेंगे, अभी हम ये कहेंगे कि इस मोमेंट की अगर हम बात करें, तो इस मोमेंट पे, इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, इससे थोड़ी सी देर के बाद की नहीं, अभी की, तो क्या मैं कहूंगा कि जब ये कार आगे की तरफ चलेगी, तो इस मोमेंट पे, तो इस दूरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट।
इस दूरी पे कब फर्क पड़ेगा, जब ये थोड़ी देर में कार थोड़ी सी आगे चली जाएगी यहाँ पे, ठीक, तब ये दूरी चेंज होगी। लेकिन अगर इस मोमेंट की बात करें तो इस मोमेंट पे इस दूरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन कितना हो गया, जीरो हो गया इस इंस्टेंट पे, एट दिस इंस्टेंट, ठीक। थोड़ी सी देर के बाद अलग हो जाएगा, वो हम समझते हैं थोड़ी देर में कि उसको कैसे सॉल्व करें। अभी हम देखते हैं कि लेकिन इस मोमेंट पे अगर इस बंदे को, इस कार को देखना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको बेचारे को अपनी गर्दन घुमानी पड़ेगी, करेक्ट। उसको अपनी गर्दन ऐसे घुमानी पड़ेगी ओमेगा से, ताकि वो इस कार को देख सके, क्योंकि कार आगे की तरफ ऐसे जा रही है, तो उसको थोड़ा सा अगले मोमेंट पे ऐसे देखना ही पड़ेगा, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बंदे को अपनी गर्दन घुमानी पड़ी, कितना एंगल घुमाना पड़ा, किसी भी टाइम में हम ये कह सकते हैं छोटा सा एंगल तो घुमाना ही पड़ेगा, अगर चाहे कितना भी छोटा टाइम हो उसमें भी, करेक्ट। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जो ये इस तरफ की वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी अगर रहती है ऑब्जेक्ट के पास, तो बंदे के को अपनी गर्दन घुमानी पड़ेगी देखने के लिए, और इस केस में ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा, ठीक। तो इस केस में कितना हो जाएगा, अगर ये वी की स्पीड से जाने लग रहा था और ये दूरी थी आर, तो आप क्या कह सकते हो कि ओमेगा हो जाएगा इस इंस्टेंट पे वी बाय आर। ये बेसिक रिलेशन हम लोगों को पता रहता है ऑलरेडी, ठीक है, कि ओमेगा आर इक्वल्स टू वी रहता है, तो ओमेगा निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, वी बाय आर। तो अभी देखो ये दोनों केसेस को हम लोग मर्ज करते हैं, और इन दोनों केसेस को मर्ज करके हम लोग इस सिचुएशन में आ जाते हैं। तो हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि अगर ऑब्जर्वर से चलती हुई गाड़ी को, जिस पोजीशन पे अभी गाड़ी है, अगर उन दोनों को एक सीधी लाइन से ज्वाइन कर दिया जाए, तो कार की वेलोसिटी अगर उस लाइन के अलोंग रहती है, तो वो क्या करती है, वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच का काम करती है, और उसके परपेंडिकुलर कि इफ वेलोसिटी जीरो होने के कारण हम क्या कह देते हैं, ओमेगा कितना हो जाता है, जीरो। केस टू में हमने क्या सीखा कि अगर ऑब्जर्वर और इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर दिया जाए किसी भी इंस्टेंट पे, तो हम यहां पे देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगी, वो वेलोसिटी इस लाइन के जो परपेंडिकुलर आएगी, वो क्या करेगी, इसकी गर्दन के घुमाने का काम करेगी, मतलब कि वो एंगुलर स्पीड कैलकुलेट करवाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर आपको कभी भी एंगुलर स्पीड ओमेगा कैलकुलेट करना है लीनियर वेलोसिटी से किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे वो करेंगे कि ऑब्जर्वर से उस ऑब्जेक्ट को जो चलने लग रहा है उन दोनों को कनेक्ट कर दो। तो जैसे हमने यहाँ से ओ से पी को कनेक्ट कर दिया, ठीक, अभी ओ से पी को कनेक्ट कर दिया, तो अभी दूसरा काम क्या कि जो ये नेट वेलोसिटी आई थी, इसके दो कंपोनेंट बनाओ, एक कंपोनेंट जो उन दोनों की कनेक्टिंग लाइन के अलोंग जाएगा, एक कंपोनेंट जो ओपी लाइन के अलोंग जाएगा, कौन सा हो गया वो, वी कोस अल्फा। क्या हम कह सकते हैं वी कोस अल्फा तो पहले केस के सिचुएशन है, ठीक है। तो वी कोस अल्फा क्या काम करेगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताएगा हम लोगों को, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो गया, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करेगा, इसके अंदर ओमेगा जनरेट करेगा। तो ओमेगा कितनी हो जाएगी, ये ऐसा केस हो गया यहाँ पे, तो ओमेगा कितनी हो जाएगी, ओमेगा हो जाएगी वी साइन अल्फा अपॉन आर, ठीक। तो हरदम ध्यान रहे कि अगर आपको कभी भी एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे दिया हुआ है कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब कि पहले ऑब्जेक्ट से जो भी ऑब्जर्वर है उससे चलने वाली चीज को कनेक्ट करो एक सीधी लाइन से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले दोनों को एक लाइन से ज्वाइन करो, और फिर उसके बाद वेलोसिटी का, उसकी जो नेट वेलोसिटी है उसका वो कंपोनेंट लो जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हो। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इस केस में कौन था, वी कोस अल्फा। तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हाँ सॉरी,
जो ये वीक ओ सल्फा रहेगा, ये क्या करेगा, ये उन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। और अगर आपको पता करना है कि किस रेट से वो घूम रहा है, ओमेगा कैसे कैलकुलेट होगी, तो ओमेगा के लिए वो कंपोनेंट लो जो इस लाइन के क्या रहे, परपेंडिकुलर। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग, जो यहाँ पे जो ये दूरी थी उसकी लेंथ। ठीक है भाई, तो अभी बच्चों हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारे और अच्छे से समझ में आ जाए। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखो, ए प्रोजेक्टाइल यू कोमा थीटा, मतलब यू की स्पीड से एट एन एंगल थीटा इज लॉन्च फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एज ऑब्जर्व फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट द टाइम ऑफ लैंडिंग। इसका मतलब कि मैंने यहां से पॉइंट ए से एक बॉल को फेंक दिया, वो जाके बॉल पॉइंट बी पे गिरी है। जब मैंने इस बॉल को यहां से फेंका तो मैंने इसकी स्पीड दी हुई थी यू, और ये प्रोजेक्ट की गई थी एट एन एंगल थीटा। इस मोमेंट पे मैं यहां पे खड़ा हुआ था, करेक्ट। तो मेरे से अभी की बात नहीं की गई है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एज ऑब्जर्व फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट द टाइम ऑफ लैंडिंग। कब की बात की गई है, जब ये लैंड करेगा, यहाँ पे जाके गिरेगा। तो हमें पता है कि सर अगर ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं तो ये कर्व होगा सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक होगा तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो गया, ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो गया। ठीक है, अभी आप क्या कहोगे, भाई अगर ये यू स्पीड से इस लाइन के अलोंग फेंका गया था तो ये यू स्पीड से इस तरफ चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ चुके हैं। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो सेम रहेगी, बस डायरेक्शन बदल जाती है। तो अभी हम क्या कहेंगे कि ये यू से इस तरफ जा रहा था। ठीक, अभी देखो हमने ऊपर फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमें दो चीजें चाहिए। हमें चाहिए कि सबसे पहले हम उनकी लाइन ज्वाइन करें। लाइन ज्वाइनिंग करेंगे तो ए से डायरेक्टली बी की ये लाइन ज्वाइन होगी भाई। ठीक है, इस लाइन की दूरी हमें पता ही है, इसको हम क्या कहते हैं, आर, जो क्या हो गया, रेंज। ठीक है, रेंज की वैल्यू आप लोगों को पता ही है, यू स्क्वेयर साइन टू थीटा वाई जी। ठीक, तो मैं कहूंगा कि मुझे ये दूरी आर तो पता चल गई है। अभी दूसरा काम क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग, मतलब कि जो लाइन जॉइनिंग है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो किसका, वेलोसिटी का। तो अगर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर लाइन जॉइनिंग हॉरिजॉन्टल थी तो उसका वर्टिकल लाइन उसके परपेंडिकुलर आ जाएगी। अगर ये यू है तो ये बनेगा यू कोस थीटा और नीचे वाला बनेगा यू साइन थीटा। तो ओमेगा निकालने के लिए अपने कौन सा काम का, यू साइन थीटा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, और यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू हम लोगों को पता ही है, यू स्क्वेयर साइन टू थीटा बाय जी। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग इसको एक्सपेंड करके बच्चों टू यू टू साइन थीटा कोस थीटा लिख के आप कैंसिल करके आंसर बता सकते हो। ठीक है भाई, तो इससे अगला वीडियो में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशंस के बारे में, जो कंसेप्चुअली बहुत ही जरूरी चीजें हैं। हम देखेंगे कि कौन किसको चेंज करता है, तो उस वीडियो को भी देखें। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।